मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। उसने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उसने 12 समितियों का गठन किया है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये समितियां विवादों में घिर गई है, क्योंकि इनमें कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल नहीं किया गया है। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का नाम शामिल है, जिन्हें किसी भी समिति में कोई जगह नहीं दी गई है। समन्वय समिति की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। वहीं चुनावी घोषणा पत्र का संयोजन का जिम्मा विक्रम वर्मा को दिया गया है, जबकि सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा समिति का प्रभारी प्रभात झा को बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी न दिए जाने के इस फैसले का बचाव किया है। इसमें साथ साथ में आवश्यकतानुसार और भी जिन लोगों को जोड़ना है, इसमें अभी आने वाले समय में और भी नाम जोड़े जाएंगे। कुछ और समितियां भी जो बाकी हैं, उन समितियों के नाम भी शीघ्र ही आप सबके सामने आएंगे। बीजेपी की बनाई एक दर्जन चुनावी समितियों में हर वर्ग हर उम्र के नेता को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इन समितियों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और दिल्ली में प्रदेश के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई।